आईटीआई विजन में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ क्लेम कटिंग, क्लेम कटिंग से होने वाली हानियाँ। तो क्लेम कटिंग करने से पहले हमें प्री हीटिंग करना पड़ता है मेटल का। हम प्री हीटिंग करते हैं, जहाँ से हमें कटिंग करना है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक प्री हीटिंग करते हैं। ये मेटल के थिकनेस पर निर्भर करता है, मेटल की मोटाई पर निर्भर करता है। मेटल जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा प्री हीटिंग में। प्री हीटिंग करने के बाद तब तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के वाल्व को हम क्या करते हैं कि खोलते हैं और कटिंग का प्रक्रिया शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि डिसएडवांटेज में 1, 2, 3, 4 डिसएडवांटेज को आज दर्शाया गया है, जिसमें एक क्या है, कटिंग स्लिट खराब हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि कटिंग स्लिट, शुरुआत में जो कटिंग हुआ है, मेटल की कटिंग किया गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि स्लिट बिल्कुल स्ट्रेट बना है इस तरह। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या है कि आड़े तिरछे होना शुरू हो जाता है, यानी कि आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्लिट एक जैसा नहीं बना। इस प्रकार ये दर्शाता है कि स्लिट खराब हो गया है, यानी कि कटिंग सही नहीं हुआ है। दूसरा नंबर में क्या है कि कर्व सही नहीं बनना। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि कर्व हम कहते कि किसे हैं, पहले ये जान लें कि जितना हमारा क्या है फ्लेम की मोटाई होता है, जितना आर पार फ्लेम हमारा करता है कटिंग के समय, वही मोटाई या वही गेप जो मेटल के बीच बन जाता है कटते हुए, अगर कटा है तो मेटल की मोटाई मान लेते हैं कि 10 mm का गेप चल रहा है, तो 10 mm का गेप हर वक्त होना चाहिए। तो कहीं क्या है कि या तो फ्लेम ठीक से नहीं बन रहा होगा, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा होल हो गया, यानी कि स्पेस बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, यहाँ पतला हो गया, यानी कि इससे पता चल रहा है कि फ्लेम हमारा सही नहीं चल रहा है, एक जैसा नहीं है, जिसके कारण क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बना है, लेकिन क्या है कि एक बार यहाँ तक आया कटते हुए, जो गेप दिख रहा था इसे ही हम कर्व कहते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन टू मेटल, यानी कि दोनों मेटल के बीच जो गेप बनता हुआ जा रहा था, ये क्या कर्व कहलाता है। यानी कि मेटल की कटिंग प्रक्रिया अपनाने के बाद जो जितना दोनों के बीच गेप बन जाता है कटिंग के बाद, तो ये तो निर्भर करता है फ्लेम की मोटाई पर, फ्लेम कितना मोटा चल रहा था, तो यहाँ एक समान चल रहा था, लेकिन यहाँ जाकर क्या हुआ, फ्लेम फैल गया, और जिसके कारण क्या है कि इस प्रकार स्लिट क्या हुआ, कहीं पतला कहीं मोटा इस तरह बनना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि कर्व जो बना है वो एक समान नहीं बनने के कारण ये दर्शाता है कि फ्लेम सही नहीं बना है, फ्लेम एक जैसा नहीं चलता रहा है कटिंग प्रक्रिया के समय। तो ये हम कर्व इसको कहते हैं, यहाँ से हम एरो का निशान लगा देते हैं कि इसे ही हम कर्व कहते हैं। तो कहने का मतलब है मेटल की कटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद जितना गेप बनता है दोनों मेटल के बीच यही कर्व कहलाता है। तो कर्व एक जैसा नहीं बना है, इसका मतलब है कि कटिंग में खराबियां हुआ है, कटिंग से क्या हुआ है, हानि देखने को मिल गया है कि एक जैसा नहीं हुआ है, मेटल की बर्बादी है यहाँ। लेकिन यही जब इसमें हेक्सा से काटा जाता तो बिल्कुल स्ट्रेट कटता और इसका गेप यानी कि कर्व जो होता वो नहीं के बराबर, यानी कि स्ट्रेट तो होता ही, साथ साथ ये जो मेटल का जो गेप है ये बड़ा गेप देखने को नहीं मिलता, स्ट्रेट बनता। तो इस प्रकार कर्व सही नहीं बना।
तीन नंबर में आते हैं ड्रेक, ड्रेक खराब बनना। तो ड्रेक हम पहले जानेंगे कि ड्रेक कहते किसको हैं, जिस प्रकार हम स्लिट जान गए थे, स्लिट जान गए थे कि ये जो धारदार जो बना हुआ है एक स्ट्रिप की तरह बना हुआ है, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, तो इसे हम स्लिट कहते हैं। जो कटिंग प्रक्रिया अगर सही होता तो बिल्कुल एक ही जैसा एक समान स्लिट बनता, लेकिन यहाँ कटिंग स्लिट सही नहीं बना था। कर्फ हम यहाँ जान गए कि फ्लेम कटिंग के बाद, फ्लेम कटिंग प्रक्रिया को शुरू करने के बाद जो मेटल के बीच गैप बनता जाता है, उसी गैप को हम क्या कहते हैं, कर्फ कहते हैं। जो एक जैसा नहीं बना, या फ्लेम में दोष था, ठीक है, या हमारे चलाने में, यानी कि जो मैनुअल हम काम कर रहे थे, मेटल की कटिंग कर रहे थे, तो दिशा भटक गया है, या जिस भी परिस्थिति में कर्फ हमारा सही नहीं बना, या कर्फ जो है सही नहीं बना है, तो ये डिसएडवांटेज है या हानियां हैं फ्लेम कटिंग का। तीन नंबर में आते हैं ड्रेक खराब बनना। तो ड्रेक हम कहते किसको हैं ये बताएं कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मेटल है जिसका थिकनेस हम मान लेते हैं 200 mm है। तो इस प्रकार 200 mm है, 200 mm में देख रहे हैं कि कटिंग का जो देख रहे हैं कि कटिंग यहाँ तक हो गया है, गैस कटर यहाँ तक पहुँच गया है काटते हुए, मेटल को काटते हुए। तो ऐसे स्थिति में हम इसे 40 mm दर्शाए हैं कि 40 mm कट लगाया है। तो कट का क्या है कि नीचे का जो कट है ऊपर के कट से पिछड़ा हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ 40 चल रहा है तो यहाँ क्या होगा, ये उससे कम है, ये आगे है 40 है, तो ये बिल्कुल क्या है 30 के आसपास होगा। जो हम क्या करते हैं माइनस करने के बाद हम दिखा सकते हैं, हाँ 40 माइनस 15 कर देते हैं 5 हुआ, उसके बाद यानी कि 25 हमारा क्या है ना 25 तक चला है, जबकि यहाँ क्या है कट हमारा 40 तक गया है और ये 25 दर्शा रहा है। तो इस प्रकार पिछड़ा कितना, तो देख रहे हैं कि यहाँ, कहने का मतलब है ये 40 होता है तो इधर जो गैप जाता है वो हमारा 15 mm का होता है। तो इस प्रकार ये जो गैप होता है, कहने का मतलब है कि जहाँ तक कटिंग गया और निचला कटिंग, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, ड्रेक कहते हैं। एक बार फिर कि ऊपर का कटिंग का जो मेजरमेंट है और नीचे के कटिंग का मेजरमेंट, उसी के गैप को हम क्या कहते हैं, लैग कहते हैं। तो ड्रेग इक्वल टू क्या है कि ड्रेग परसेंटेज हम निकालते हैं, तो लैग बाय क्या है प्लेट थिकनेस इनटू 100। तो हम यहां देखें कि ड्रेग परसेंट हम निकाल सकते हैं, लैग हमारा क्या है कि 15 है। क्यों कि हम लैग उसे कहे हैं कि ऊपर की कटिंग हमारा 40 हुआ है जो कट का लाया है, और जहां से कट गया है और कितना पिछड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस, कहने का मतलब है कट से कितना पिछड़ा हुआ है ये लेग कहलाता है। कट होना चाहिए थे यहाँ तक, लेकिन कट हमारा पीछे 15 पीछे अभी चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में लेग 15 हुआ। तो लेग के जगह पर ड्रेग परसेंट हम निकाल सकते हैं, लेग 15 बाय प्लेट का थिकनेस क्या है 200 mm है, 200 mm और इनटू 100 कर देते हैं, क्योंकि ड्रैग परसेंट इक्वल टू क्या है लैग बाय प्लेट थिकनेस इनटू 100, लैग 15 हमारा है, उसके बाद ये 200 हमारा क्या है प्लेट थिकनेस है इनटू 100 है, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद इधर से लाएंगे डिवाइड करेंगे तो 7.5
7.5 हमारा ड्रैग परसेंट है। इस प्रकार पता चला कि ड्रैग कहते हैं किसको है, ड्रैग परसेंट हम किस तरह निकाल सकते हैं इसके बारे में पता चला। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कट का टेढ़ा या वॉकर बनना। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि कटिंग हम यहाँ शुरू किए हैं, प्री हीटिंग यहाँ किए होंगे। प्री हीटिंग करने के बाद हम ऑक्सीजन वाल्व को खोलने के बाद कटिंग स्टार्ट हुआ। तो ये मार्किंग हमारा दर्शा रहा है बिल्कुल बिल्कुल क्या है, मिडिल पॉइंट पे। इधर से मिडिल पॉइंट, इधर से भी मिडिल पॉइंट आना था, जो क्या है बिल्कुल अलग दिशा में चला गया है। कट का टेढ़ा हो जाना इस प्रकार क्या है, इसमें अगर सही रूप से कटिंग होना था तो इसमें गाइड का प्रयोग यह बहुत ही इसेंशियल था। गाइड के द्वारा हम इसे क्या कर सकते थे कि बिल्कुल मार्किंग लाइन पर ही हम फ्लेम कटिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये डिसएडवांटेज है, यानी कि खराबियाँ हैं, हानियाँ हैं फ्लेम कटिंग का। तो इसमें देख लिए कि फोर टाइप का क्या है फ्लेम कटिंग हानियाँ था। एक बार फिर चलते हैं, वन नंबर में क्या है प्लेट कटिंग स्लिट खराब होना। स्लिट जो है एक जैसा नहीं बना है, यानी कि कटिंग करते समय कुछ खराबियां आया है या चलाने में या फ्लेम में जो दोष उत्पन्न हुआ है जिसके कारण कटिंग स्लिट खराब हुआ है। दो नंबर में कर्व सही नहीं बनना। कर्व हम बता दिए हैं कि फ्लेम के द्वारा कटिंग शुरू करने के बाद जो गैप बनता है दोनों के बीच, जो कटने के बाद जो गैप बनता है उसे ही हम कर्व कहते हैं। और कर्व एक जैसा नहीं बना है, यहाँ क्या है बिल्कुल समांतर चल रहा है, एक सिद्ध में चल रहा है, दोनों का गैप बराबर है, लेकिन यहाँ गैप बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ घटता हुआ जा रहा है। इस प्रकार क्या है कर्व सही नहीं बना है, या तो फ्लेम क्या है फ्लेम फैल गया है, इसके कारण क्या है कि ज़्यादा मेटल को काट पाया, यहाँ फ्लेम बिल्कुल इक्वल था जिसके कारण ऐसा हुआ कि स्लिट का खराब होना डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ हैं गैस कटिंग का। उसके बाद ड्रैग खराब होना। तो ड्रैग हम समझते हैं इसे, सबसे पहले हम जान लें कि ये मेटल है, मेटल का थिकनेस हमारा 200 mm है और कट हमारा जो गया है जहाँ से हम मेटल की कटिंग करते आए हैं गैस कटर के द्वारा, तो 40 mm तक हम ऊपर गए हैं, लेकिन निचला सिरा क्या है पिछड़ता हुआ चलाया गया है, इधर आगे कट गया है लेकिन इधर पीछे यहीं तक कटा है, यानी कि इतना कटना बाकी है। तो जितना कटना बाकी है ये लैग कहलाता है, यानी 15 mm लैग कहलाएगा, यानी कि 25 ही कट पाया जबकि इधर 40 कट पाया है, और यहाँ 15 जो है लैग कहलाएगा। तो इस प्रकार हम फार्मूला देख रहे हैं कि ड्रैग परसेंट इक्वल टू क्या है लैग बटे प्लेट थिकनेस इंटू 100, यानी कि लैग हमारा क्या है कि 15 है, उसके बाद प्लेट थिकनेस हमारा 200 है, उसके बाद इंटू 100 फार्मूला में है। इस प्रकार 0.0 हम कटाकर 2 से डिवाइड किए तो हमारा 7.5% ड्रैग परसेंट आया। उसका फोर्थ नंबर में कट का टेढ़ा होना, जो दिखता है कि बिल्कुल मार्किंग लाइन से अलग चला गया है, कटिंग में दिशा भटक गया है, जिसके कारण क्या है कि इसमें सही अगर फ्लेम कटिंग हुआ रहता या इसको सुधारा जाता तो इसका मतलब है कि गाइड का प्रयोग करते हुए हम इसे सुधार सकते थे, लेकिन ये डिसएडवांटेज है, यानी कि फ्लेम कटिंग से ये खराबियां होती है प्रायः। तो इस प्रकार क्या है कि कट का टेढ़ा या वक्र बन जाना ये क्या है डिसएडवांटेज है फ्लेम कटिंग का। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, स्टूडेंट के बीच शेयर करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।